आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो, मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो, हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी जिभ्या पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है, अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की, ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास, हेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, तो उस वैष्णव उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतकाल में अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए, तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे, या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके, अच्छा चिता जलाई जा रही है, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, उसको परम पद प्राप्त हो जाए। ये भगवान की भगवत प्रेममय वृत्ति का कैसा महत्व है, देख ले छू ले तो उस जीव को मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है, तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं।